जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रूपन कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। क्या देख रहे हैं आप? आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस रसायन क्लास पहला। एक प्रकार का डेमो वीडियो भी है कि प्राइवेट लिंक्स में आपको क्या दिए जाएंगे। तो रसायन पहला क्लास है, ये केमिस्ट्री का पहला क्लास है, ठीक है? तो इसको आप अच्छे समझना। आपकी टॉपिक में से कुछ टॉपिक को लिया गया है और बिल्कुल हमारी पेड कोर्सेज भी चालू हो गई है। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? देखेंगे, कृषि का टॉपिक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अब रसायन का मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो दोनों वीडियो को देखेंगे और दोनों का पीडीएफ आप फ्री ले सकते हो डेमो क्लास के रूप में, ताकि आपको बाद में कोई तकलीफ ना आ जाए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ये आपका ACF रेंजर के लिए है, बाकी ये केमिस्ट्री सबके लिए है। केमिस्ट्री वाला इस्तेमाल आप CGPSC वाले, पटवारी वाले सब कर सकते हैं, पर जो टॉपिक उठाया गया वो ACF रेंजर के हिसाब से उठाया गया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है? क्या है देखेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान एवं तीव्र एवं धीमी रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इस टॉपिक को मैं इतने चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस के पहले लाइन पर दिया हुआ है, केमिस्ट्री के सिलेबस पर, ठीक है? आप समझ रहे हैं, यहाँ से MCQ आ रहा है 1 बजे रसायन का लाइव टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है, आके उसको भी ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है? देखते इसमें क्या क्या हमारे पास है। देखो, हमारे पास जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। परिभाषा समझ लो, डेफिनेशन समझ लो अगर नए बच्चे हो तो, ठीक है? क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसमें परमाणु का रीअरेंजमेंट, पुनः व्यवस्थापन है ना, होता है, तो इस प्रकार के नए पदार्थ का तत्व जो प्राप्त होता है इसे हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ये एक सिर्फ परिभाषा है, इस परिभाषा से कोई संबंध नहीं है एग्जाम का, पर आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसा पानी का बनना, पानी का बनना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा एग्जाम्पल लिया गया है, इस एग्जाम्पल को समझिए कि दो अणु हैं हाइड्रोजन के, दो अणु हैं ऑक्सीजन के, अब क्या बन गया आपका 2S2O, पानी बन गया, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई और आपका पानी का निर्माण हो गया, है ना? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन है और O2 है, तो O सामने, तो O2 हो गया, ठीक है? ये मैं इक्वेशन को बैलेंस करने वाला वीडियो बाद में लेके आऊँगा। समझना इसमें क्या दिया है कि पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण, मानव द्वारा गृहित भोजन का पाचन, शरीर द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण, अवशोषित भोजन का कोशिकाओं में दहन, श्वसन और इत्यादि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं का उदाहरण है ना? ये सभी केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है, या तो पौधों का पत्तियों से भोजन लेना, या मानव का भोजन पच के हमारे शरीर में ऊर्जा देना, दहन होना, ये सारे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आप टॉपिक समझ रहे हैं तो यहां से वैसे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा, पर याद रखिए एग्जाम्पल पूछ सकता है कि अगर मानव के शरीर में भोजन का पचना एक कौन सा अभिक्रिया है, तो एक केमिकल रिएक्शन है, है ना, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे हमारे पास से कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल को आप समझेंगे। क्या है कि पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण से होता है, ये सबको पता है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला आप देखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल में कि मानव द्वारा गृहित भोजन, मतलब भोजन को लेना और शरीर द्वारा पचे हुए भोजन को अवशोषण करना और अवशोषित भोजन का कोशिकाओं में दहन तथा श्वसन इत्यादि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो ये दो पॉइंट को आप बिल्कुल फोकस में लेके चलेंगे, है ना? आगे
क्या होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के बारे में सुनना और समझना। MCQ 1 बजे के लाइव टेस्ट में चालू हो गया है, उसको ज्वाइन करना ही करना, पर इसको सुनना जरूर। क्या होता है देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें जो पहला पॉइंट है कि अपघटन अभिक्रिया है ना, अपघटन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व अथवा छोटे छोटे सरल यौगिक में अपघटित हो जाते हैं। अपघटित होना मतलब टूटना होता है। कोई एक बड़ा यौगिक है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उसी को सरल भाषा में समझेंगे अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये सिर्फ डेफिनेशंस है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसका वीडियो पूरा बना हुआ रखा है, तो बिल्कुल हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसका पूरा ले सकते हैं बेनिफिट। अगला, अब इसके बारे में कुछ दिया है, तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए कि यह अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा विद्युत द्वारा संपादित होता है। संपादित शब्द को समझना मतलब शुरू होता है, संपादित का मतलब शुरू होना होता है या होना होता है। ऊष्मा प्रकाश विद्युत द्वारा संपादित होता है और युगात्मक अभिक्रिया जो नए पदार्थ या अणु निर्माण के ठीक विपरीत होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता है केमिस्ट्री। ठीक है, आपको लाइन समझना है और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, आगे आप देखिए, ये कुछ है, अपघटन क्रियाओं भी निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, मतलब अपघटन की क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। देख लीजिए क्या क्या होती है, इसमें पॉइंट समझना, यहां से क्वेश्चन निकल के देता है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, ये दो प्रकार का होता है, टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप समझेंगे कि जब अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसमें ऊष्मीय अपघटन होता है। ऊष्मा दिया गया तो ऊष्मीय अपघटन, और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, याद रखना है ये पॉइंट, ये आपके सिलेबस के टॉपिक में है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे, विद्युत धारा में होने वाले अपघटन अभिक्रिया को विद्युत अपघटन के उपयोग से अनेक धातुओं को उनकी प्राकृतिक यौगिक जैसे क्लोराइड ऑक्साइड आदि प्राप्त किया जाता है। मतलब अपघटन अभिक्रिया से हम क्लोराइड ऑक्साइड जैसे चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, नॉलेज पे रखिए चीज़ों को, MCQ कराऊंगा, समझ आएगा, 100% समझ आएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे, ये क्या दिया है कि गलित धातु क्लोराइड अथवा धातु ऑक्साइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटित किया जाता है तो कैथोड पर धातु प्राप्त होता है। गलित क्लोराइड है ना, और धातु ऑक्साइड पर विद्युत धारा देते हैं तो कैथोड पर धातु प्राप्त होता है। याद रखिए ये सारे वर्ड केमिस्ट्री में थोड़े से फंसा देते हैं पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो एक धातु मिलता है हमको, धातु। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल दिया हूँ, समझ आएगा आपको, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, एग्जाम्पल से कि सोडियम धातु का निष्कर्षण गलित सोडियम क्लोराइड NaCl और एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। समझ गए ना, मतलब कहने का मतलब है कि NaCl में NaCl में आपने विद्युत दिया और आपको सोडियम धातु मिल गया, मतलब नमक से आपने सोडियम को अलग कर लिया। ठीक है, याद रखिए यही एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे, हमारे शरीर में भोजन के पचने की क्रिया भी एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला आप देखेंगे, अंतर क्या होता है समझेंगे, अंतर समझना है हमको, ये अंतर इसलिए समझना है ताकि आपको एग्जाम में समझ आए कि हमको क्वेश्चन को पहचानना कैसे है करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, देखो पहला पॉइंट क्या दिया है कि ऊष्मीय वियोजन में यौगिक को गर्म करने पर उसके अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं और ठंडा करने पर संयुक्त होकर पुनः मूल यौगिक अणु बना लेते हैं।
कहने का मतलब क्या होता है, जब ऊष्मीय वियोजन थर्मल दिया जाता है तो अणु टूट जाते हैं, पर ठंडा करेंगे ना तो वापस से वो अणु जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें अगला समझना, तब आपको समझ आए, आपको क्लियर समझ आएगा कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। में यौगिक को गर्म करने पर उसके अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं, परंतु ठंडा करने पर पुनः मूल अणु नहीं बनते। अंदर समझ आया? याद रखिए दोनों चीजें एक समान हो जाती है, इसलिए याद रखिए। ठीक है, याद रखिए ये दोनों टॉपिक एक ही वर्ड पे लिखा है, याद रखिए यहाँ पे पॉइंट समझना, ये वियोजन है और ये अपघटन है, इस लाइन को समझना। वियोजन में क्या होता है, वापस वो मूल यौगिक बना लेगा, पर अपघटन में मूल यौगिक नहीं बना पाएगा, ये डेफिनेशन का मतलब है। ठीक है, आगे आप देखेंगे इस प्रकार की ऊष्मीय वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मैं पूछा हूं ना स्टार्टिंग में, मैं बताया हूं ना ये आपके टॉपिक का है, जब ऊष्मीय अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, देखो। अच्छा सॉरी, यहीं पे खत्म हो गया। यह एक प्रकार का वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब ऊष्मीय वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि ऊष्मीय अपघटन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। समझ आया कि ऊष्मीय वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि ऊष्मीय अपघटन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो याद रखिए ये डेमो वीडियो है, बेहतर वीडियो हम बना के देंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे, आपको सब देंगे, कंप्लीट चीज दिया जाएगा। अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं पूरी पीडीएफ दिए जाएंगे, आप डेमो पीडीएफ ले सकते हैं, और साथ में हमारी लाइव टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी लाइव टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पैड कोर्सेज को भी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को। तो समझना केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर हम मेन पॉइंट को निकाल के पढ़ सकते हैं। ये डेफिनेशन था, इसका एमसीक्यू भी जल्दी आएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।